मिलती है तब सब गोपियों राधा रानी की सेवा करती हैं, वैसे ही महाभाव प्रकाश लीला में महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं उनके पार्षद। ये दर्शन बहुत अलौकिक है, क्योंकि महाप्रभु के साथ नृत्य करना ये तो अद्भुत है, लेकिन भगवान को जब हमारी जरूरत है तब उनकी सेवा करना चाहिए। तो महाभाव प्रकाश में तो भगवान सब कुछ भूल गए। 21 घंटे तक सप्त प्रहरीय लीला, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 21 घंटे तक महाप्रभु ये महाप्रकाश में चले गए और एक एक करके सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वैकुंठ नाथ नारायण के दर्शन किसी भक्त को, किसी को सीताराम लक्ष्मण के दर्शन, किसी को राधा कृष्ण के दर्शन, किसी को श्याम सुंदर के दर्शन, और किसी को भक्त वात्सल्य स्वरूप विश्व रूप दर्शन, सब दर्शन दे रहे हैं भगवान। अद्वैत आचार्य को विश्व रूप भी दिखाया भगवान ने। और भगवान ने यहाँ जब नित्यानंद ने अपना माला वेद व्यास जी के ऊपर नहीं डाला, बोले आज गुरु पूर्णिमा में मैं मेरा माला मैं जगत गुरु गौरांग महाप्रभु के गले में डालूंगा, क्योंकि सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के गुरु अगर जगत गुरु गौरांग महाप्रभु खड़े हैं तो मैं क्यों एक वेद व्यास के गले में डालूंगा, मैं उनके गले में माला डालूंगा तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के वेद व्यासों को माला मिल जाएगा, उनकी पूजा हो जाएगी। तो भगवान के गले में जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने इतने भक्ति भाव से माला डाल दिया, उनके गले में तो बड़ा चमत्कार हो गया, बड़ा चमत्कार हो गया। श्रीवास आंगन में जैसे ही माला भगवान के गले में गिर गया तो भगवान के दो हाथ अदृश्य हो गए और 6 हाथ प्रकट हो गए। बोलो षडभुज महाप्रभु की, श्रीवास आंगन की। दो हाथ में धनुष और तीर नहीं, शंख चक्र गदा पद्म, 4 हाथ में और 2 हाथ में मुरली बजा रहे हैं। क्योंकि ये अभिन्न है, अभिन्न वृंदावन, इसलिए भगवान मुरली बजा रहे हैं और 4 हाथ प्रकट किए शंख चक्र गदा पद्म के। यही षडभुज रूप श्रीवास आंगन में दिखाया भगवान ने। और इस श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर का पुत्र रात को 12 बजे मर गया कीर्तन के समय में, तो भगवान ने उसको जीवित किया, उसके छाती के ऊपर हाथ रख के उसको वापस बुलाया उसके आत्मा को, और वो उठ के बोलने लगा श्रीवास ठाकुर के साथ, बोले क्यों मुझे बुलाया प्रभु, आपकी इच्छा से मैं गया था, आपकी इच्छा से मैं आया हूँ। तो श्रीवास ठाकुर का शोक दूर किया भगवान ने, क्योंकि श्रीवास ठाकुर नारद मुनि है और नारद मुनि अखंड ब्रह्मचारी अखंड सन्यासी है, लेकिन कलयुग में नारद मुनि है वो गृहस्थ बन गए हैं। गृहस्थ क्यों बन गए नारद मुनि, गृहस्थ क्यों बने कलयुग में? गृहस्थ नहीं बनेंगे तो गृह नहीं होगा, गृह यानी घर, सन्यासी का तो कोई घर नहीं होता है, सन्यासी तो इधर उधर घूमता है, वृक्ष के नीचे रहता है, लेकिन गृहस्थ को घर लेना पड़ता है, और घर होगा तो ही भगवान को बुला सकते हैं। अगर घर होगा तो भगवान उनके आंगन में आके नाच सकते हैं। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर ने गृहस्थ बन गए और राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जो धात्री है किलिंबिका नाम की गोपी वो उनकी पत्नी बनी। यहाँ उनका नाम था मालिनी देवी। बोलो मालिनी देवी की जय, किलंबिका की जय, कृष्ण लीला की जय। तो मालिनी और श्रीवास दोनों ने महाप्रभु की बहुत सेवा की और यहाँ अपने घर को गोलोक धाम बना दिया। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो के नेताय। भक्ति विनोद ठाकुर प्रतिदिन यहाँ श्रीवास आंगन में भागवत कथा करते थे, प्रतिदिन यहाँ आके भागवत सुनाते थे, सब भक्त बैठते थे उनसे भागवत कथा सुनते थे। क्योंकि श्रीवास आंगन में अभी भी आप रात को आके भजन करेंगे तो आपको रात का संकीर्तन लीला का दर्शन हो सकता है। कौन भाग्यवान
देखी बारे पाए। अगर आप भाग्यवान हैं, अगर आपको दिव्य चक्षु है, अभी भी रात को अप्रकट लीला चलती है यहाँ 10:48 से 3:36 तक, उसको निशांत लीला कहते हैं। पूरी रात की संकीर्तन लीला यहाँ चलती है। इस लीला में किसी को प्रवेश नहीं है। एक ब्रह्मचारी ने 20-25 साल तक दूध पिया था। रीवो। पच्चीस साल से दूध पिया था ब्रह्मचारी ने, तो भी उसको प्रवेश नहीं मिला। उसको छुप के अंदर लेके आए। भगवान ने बोला ये घमंड है, इसको दूध पीने का घमंड है, इसलिए मेरी लीला नहीं देख सकता। फिर वो नम्र बन के बाहर जा रहा था, फिर भगवान ने बोला अभी बुलाओ, अभी ये नम्र बन गया है। तो संकीर्तन देखने की योग्यता ऐसा नहीं कि 20 साल तक दूध पिए आप या तपस्या कीजिए। संकीर्तन में प्रवेश करना है तो एक ही वस्तु जरूरी है, त्रिणादपि सुनिचेना करोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। दैन्य दया अन्य मानु प्रतिष्ठा वर्जन, चारि गुणे गुणे होई करोह कीर्तन। चार गुण में होना चाहिए, दैन्य भाव, दया भाव, दूसरों को मान देना और अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। ये चार गुण जिसके पास है वही श्रीवास आंगन का कीर्तन देख सकता है, निरंतर देख सकता है, इसका दर्शन कर सकता है, क्योंकि ये नम्र भाव से ही संबंध मिलता है। एक बार श्रीवास की जो वो उसको भी प्रवेश चाहिए था इस लीला में। बूढ़ी वृद्ध स्त्री थी, दुखी उसका नाम था, तो उसको श्रीवास ने अंदर बास्केट में छुपा दिया। वो अंदर से कीर्तन लीला देख रही है। श्रीवास भगवान ने बोला आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई नया व्यक्ति आया हुआ है लीला में। श्रीवास को पूछा तुमने मेरी आज्ञा क्यों नहीं लिया। बाद में भगवान ने कहा, भगवान ने एक बार श्रीवास को आके कहा, श्रीवास तुमने नीताई को अपने घर में क्यों रखा है, ये नीताई तो अवधूत है, इसका पिता कौन है, इसका माँ कौन है, कोई नहीं जानता, परमहंस है ये, तो कहां कहां से भटक के आया है, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया है, इसको घर में रखोगे तो कुछ हो सकता है तुम्हारे घर में। तो श्रीवास जब सुन के खड़े हो गए, बोलते महाप्रभु यही तुम्हारा उचित नहीं, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अरे अरे ये नीताई अगर मेरा घर में चोरी करने का बात तो छोड़ दो, ये नीताई मेरा प्राण, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर सब कुछ नाश कर देगा, तो भी मैं नीताई को नहीं छोड़ूंगा। यद्यपि अमार नित्य आनंद शुरा बाड़ी जाए, तथापि अमी जानिए से नित्यानंद राय। मेरे नित्यानंद दिव्य है। तो नित्यानंद में इतनी श्रद्धा है श्रीवास की, भगवान खड़े हो गए, बोले श्रीवास तुम धन्य हो, तुम्हारा घर धन्य है, तुमको इतनी विश्वास है नित्यानंद में, मैं आज से तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में अगर मेरी मेरी शक्ति महालक्ष्मी भी भिक्षा मांगेगी, दर दर पे गरीब हो जाएगी। महालक्ष्मी तो कभी गरीब नहीं होती, लेकिन महालक्ष्मी अगर गरीब हो जाएगी तो भी मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई भी कमी नहीं आएगी। और श्रीवास तुमको दूसरा वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर में सारे जीव जंतु दास दासी हैं, वो मुझे मेरे प्राण से भी प्रिय है, क्योंकि तुमने मेरे नीताई को रखा है अपने घर में, मेरे नीताई को तुम्हारे मेरे घर में रखा है, मुझे बहुत ही प्रिय है तुम्हारे घर की दास दासियां, मैं भी तुम्हारे घर में नित्य रहना चाहता हूँ। इसलिए जब जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होता है भगवान यहाँ आके नृत्य करते हैं। आज भी यहाँ नृत्य होता है, यहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होता है, जहाँ राघव पंडित भोग लगाते हैं और जहाँ सची माता भोग बनाती है, वहाँ गौरंग का नित्य वास है। तो ये चार स्थानों में नित्य वास है, श्रीवास आंगन में गौरंग का नित्य वास है।
यहाँ भगवान ने सची माता को क्षमा किया था वैष्णव अपराध से, और हमें कई कई लीलाएं यहाँ अनंत। मालिनी ने एक कौवा था, मालिनी को घी का दिया दिया था, उसकी दिया की वाटी में वो सेवा करती थी ठाकुर जी की, तो वो कौवा आके वो लोटा उठा के ले गया। मालिनी रोने लगी बच्ची की तरह करके, बोले मेरे पति आएंगे बोलेंगे मेरी पूजा का लोटा कहाँ गया, तो मैं क्या बोलूंगी। तो वो आ गए, श्रीवास ठाकुर आने से पहले नीताई आ गए। नीताई बोले मालिनी तुम क्यों रो रही हो, तुम रो रही हो तो मेरे को भी दुख हो रहा है, क्योंकि मालिनी एक बच्चे की तरह नीताई को खिलाती थी, क्योंकि वो किलंबिका थी वात्सल्य भाव में कृष्ण लीला में, तो इसलिए वो बलदेव और कृष्ण को खिलाती है, इसलिए यहाँ भी वो खिलाती थी। तो नीताई ने बोला मालिनी क्या दुख है। मालिनी बोला वो कौवा मेरा लोटा ले गया। तो वो कौवा क्या है, वो लोटा लेके अपने घोंसले में रख के आया था, वापस आके देख रहा था नीताई क्या करने वाले। ऐसे नीताई की ओर देख, नीताई ने कौवे की ओर देखा, बोले वापस लेके आओ, वापस लेके आओ लोटा को। कौवा बोला यस सर। नीताई की आज्ञा कौन उल्लंघन कर सकता है, नीताई तो सबकी हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो तुरंत कौवा गया और लौट के ले आया, और तब मालिनी ने रोने लगी, आंख में मालिनी की स्तुतियां पढ़नी चाहिए, चैतन्य भागवत में है। मालिनी ने बोला हे प्रभु नीताई, हे नित्यानंद, आपने पूरी सृष्टि को धारण किया, एक कौवा ने लोटा वापस लाया, उसमें आपकी क्या महिमा है, आप तो पूरे सृष्टि को धारण किए हुए हो, आप बलराम से महासंकर्षण मूल संकर्षण महासंकर्षण अनंत पद्मनाभ वैकुंठ नारायण और महाविष्णु शिरोदीक्षा विष्णु गर्भोदीक्षा विष्णु अनंत शेष नाग और ये सब सारे जीव भी आपके अंश हैं, सब कुछ आप ही हो संसार में, तो सारे जीव तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ऐसे नीताई की लीलाएं यहाँ हो गई श्रीवास आंगन में, गौरांग महाप्रभु की भी लीला हो गई, गदाधर पंडित की भवन है, यहाँ गदाधर पंडित फूल तोड़ते थे राधा रानी के भाव में, प्रतिदिन गदाधर पंडित हार बनाते थे कृष्ण के लिए, जैसे राधा रानी महाभाव के साथ अपना महाभाव डाल के हार बनाती है, वैसे गदाधर पंडित भी हार बनाते थे डेली कृष्ण के लिए, अपना प्रेम उसमें डाल के। तो यही गदाधर पंडित का आंगन है, और उधर अद्वैत आचार्य का आंगन है। अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी पत्र से उसी मंदिर से भगवान को बुलाया था। एक्चुअली उनका घर शांतिपुर में है, लेकिन जब भगवान को बुलाने के लिए उनको मायापुर में आना पड़ा, क्योंकि गंगा के तीर में ही गंगा का जल मिलेगा, और अपने शालिग्राम को अर्पण करके तुलसी के पत्ते के साथ उन्होंने भगवान को कलयुग में बुलाया है। कितने साल उन्होंने 1434 में उनका जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, और 1486 में भगवान आए, तो लगभग यहाँ तो 30-40 साल उन्होंने भगवान के, पहले तो वो अपने गांव में थे, फिर वो शांतिपुर में आए, फिर यहाँ आए, तो आखिरी 20-30 साल तक उन्होंने यहाँ आराधना की। और यहाँ निमाई को छोटे भाई को लेने के लिए विश्वरूप आते थे योगपीठ से, वो निमाई अद्वैत आचार्य के साथ बैठ के हरि कथा सुनते थे, तो विश्वरूप आके बोलते निमाई 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 चलो चलो मेरे साथ, तो सारे महान महान वैष्णव अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर वो आकर्षित हो जाते थे, सॉरी विश्वरूप बैठे थे हरि कथा सुनने के लिए, निमाई उनको बुलाने आते थे, तो निमाई बोलते विश्वरूप चलो मेरे साथ, तो सब लोग निमाई के प्रति आकर्षित हो जाते थे, बोले निमाई का आवाज तो कृष्ण के जैसा है, सब कुछ कृष्ण से आकर्षण होता। तो यह अनंत लीला हुई श्रीवास आंगन की लीला, अनंत शेषनाग अपने हजारों मुंह से सृष्टि की शुरुआत से वर्णन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनंत शेष नाग है वो श्रीवास आंगन की एक क्षण की लीला को भी पूर्ण रूप से वर्णन आज तक नहीं कर पाया। इतनी अनंत लीला है श्रीवास आंगन का, एक क्षण का कीर्तन में ऐसे ऐसे भाव उठते हैं वो हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में, आपको यहाँ भजन करना चाहिए,
यहाँ रह के रात को शाम को दिन में तब आपको वो स्फूर्ति होगी जब आपको खुद ही दर्शन दिखेगा, तब आप उसका अनुभव कर सकते हैं। निताई गौर आएंगे कीर्तन में से आपको उठाएंगे, हरी हरी बोल, और आपको कीर्तन में प्रवेश देंगे। एक बार हमने श्रीवास आंगन में प्रवेश किया फिर तो सब कुछ हमारा, सब हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं और हमको गौर लीला में हमारा दिव्य स्वरूप मिलता है, किशोर का स्वरूप और राधा कृष्ण की लीला में गोपी का स्वरूप, दोनों ही स्वरूप एक साथ आत्मा को प्रदान होते हैं। इसीलिए हमें नवदीप में भी आना चाहिए और वृंदावन में भी आना चाहिए, दोनों धाम में दोनों लीलाओं में हमें भजन करना चाहिए। सॉरी महाराज हिंदी, धन्यवाद।